बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 आज हम स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन है हमारे पास कि फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 14 क्वेश्चन का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस y। इसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब पेयर्स बना के, कुछ अगर कॉमन आ रही तो कॉमन लेके फैक्टर बनाने हैं इसे हमें। तो क्या करेंगे आप, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। वो क्या होता है पता है आपको, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ एक्स और वाई की फॉर्म वेरिएबल है, तो यहाँ एक्स और वाई की फॉर्म में जो फार्मूला आएगा वो आएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। उसके बाद माइनस, इन दोनों में से अगर आप माइनस वन कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा एक फैक्टर हमारे पास है और ये पूरा का पूरा एक फैक्टर है। इन दोनों में से अगर हम एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। ये फैक्टर बनेंगे और यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास, एट एक्स क्यूब माइनस वन ओवर 27 वाई क्यूब। यहाँ हम सिंपल क्यूब वाला फार्मूला ऊपर करेंगे, वो कैसे करेंगे वो देखें जरा। आपको पता है एट हमारे पास होता है टू क्यूब और एक्स, तो इट मीन इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स क्यूब। जब इसको आप ओपन करेंगे टू क्यूब क्या आ जाएगा, एट और एक्स का क्यूब एक्स आ जाएगा, माइनस वन ओवर ये आ जाएगा थ्री वाई इसका क्यूब आ जाएगा हमारे पास। इसको ओपन कर लें, ए क्यू माइनस बी क्यू तो बन जाएगा 2x माइनस 1 ओवर 3 वाई, ये बन जाएगा। इसके बाद 2x इसका स्क्वायर प्लस ए बी, ए हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 3y, उसके बाद प्लस y स्क्वायर यानी 1 ओवर 3y इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको आप लिखेंगे तो बनेगा ये 2x माइनस 1 ओवर 3y और साथ में 4x स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6xy प्लस 1/9y², ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारे पास, उसमें हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है फार्मूले को यूज़ करते हुए, यानी फार्मूले कंप्लीट करने हैं हमने वहाँ पर, x² प्लस y², साथ में हमारे पास है x4 माइनस x² y² प्लस y 4। जरा गौर करें, अगर हम कहें कि हमारे पास a प्लस बी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी है, हमने यहाँ फार्मूला पूरा करना है, तो ये a का स्क्वायर होगा, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, ये एंड वाला किसका बनेगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। अब आपको पता है फार्मूले में क्या होता है कि अगर a प्लस बी है यहाँ पे, तो यहाँ ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर, सेंटर में ए बी होता है, तो ये माइनस ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी हमारे पास है वाई स्क्वायर, इट मीन्स ये सारा का सारा फार्मूला पूरा हो रहा है। तो ये फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर इसका क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इसका क्यूब। अगर आप इसको ओपन करें इस वाले को, तो यही बनेगा एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, यानी आपको पता है पावर की पावर हो तो क्या होती है आपस में, वो मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स का ये फार्मूला पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। थर्ड वाला देखें जरा, थर्ड वाला कैसे कंप्लीट करेंगे, इसी का पार्ट वो है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखें आप कौन कौन सा फार्मूला हम पूरा कर सकते हैं। ज़रा गौर करें, अगर ये एक लम्हे के लिए हम यहाँ मान लें कि हमारे पास a माइनस बी है, यानी x माइनस वाई यानी a माइनस बी है, तो आपको पता है जब हम ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यानी अगर ये x माइनस वाई a माइनस बी है, इसके साथ जो हम पार्ट मिलाएंगे वो कौन सा मिलाएंगे, वो ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्यू वाला फार्मूला पूरा होगा, माइनस वाले के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लें कंबाइन करके, एक्स माइनस वाई इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस वाले के साथ पता है आपको माइनस ए बी वाला होता है, तो ये माइनस ए बी वाला ये है, तो एक्स प्लस वाई इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी ए और बी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके साथ हम मिला लेंगे ये एंड वाले को, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और साथ में बनेगा प्लस वाई फोर। तो यहाँ जो क्यूब ये वाला बनता है, ये बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाला ठीक है, और ये वाला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये वाला जो बनता है ये वाला, ये भी हमने यहाँ बनाया है पिछले क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर ये ज़रा गौर करें, सेम यही था। तो ये बनता है एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स बन जाएगा, ठीक है, नहीं माइनस नहीं प्लस का बनेगा ये। तो अब देखें जरा ये a माइनस बी ए प्लस बी, जरा गौर करें फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये माइनस में है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पूरा कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा एक्स की पावर सिक्स माइनस वाई पावर सिक्स बन जाएगा, और साथ में एक्स पावर सिक्स प्लस वाई पावर सिक्स आ जाएगा, फिर यहाँ फिर वही फॉर्मूला, एक माइनस में और एक प्लस में है, ये बनेगा x पावर 12 माइनस y पावर 12, ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, तो जो क्वेश्चन 15 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन आपके असाइनमेंट हैं। इसके अलावा कोई भी इशू है इन क्वेश्चंस के अंदर, या कोई फॉर्मूला समझ नहीं आया आपको, ठीक है, या कहीं पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हमने कैसे किया वो समझ नहीं आई, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।